शहनाई बजने से पहले दुल्हन की मां की उठी अर्धी। सिंघाड़ी के पास एकलव्य छात्रावास के पीछे मार्शल वाहन की टक्कर से एक की मौत, दो बाइक सवार गंभीर घायल। भोपाल रेफर। विशाल पुत्र चंदन सिंह कुशवाहा निवासी पुरानी छावनी गुना ने बताया कि उसके पिता चंदन सिंह पुत्र रामलाल कुशवाहा ग्राम गड़ा बेटी की शादी के कार्ड देने गए थे। रेलवे स्टेशन से सिंघाड़ी होते हुए पुरानी छावनी जा रहे थे। रास्ते में एकलव्य छात्रावास के पास सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी क्रमांक MP07CD6755 ने बाइक में पीछे से बीते शाम 6:30 बजे टक्कर मार दी, जिसमें सुनीता बाई पत्नी चंदन सिंह कुशवाहा उम्र 45 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। छोटी बेटी आरती कुशवाहा में 14 साल एवं भनेज लक्ष्मण कुशवाहा उम्र 18 साल एवं भानेज लक्ष्मण कुशवाहा उम्र 18 साल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गुना जिला अस्पताल से भोपाल रेफर कर दिया गया। कैंट पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। ना ये भी मेरी मम्मी गांव पे नोटे देने गई थी, तो उनके साथ वहाँ से पीछे गाड़ी लगी तो किसी ने से आगे एक्सीडेंट कराया। तो एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई? हाँ, मम्मी जी की मौत हो गई। तो मेरा पापा उनका भाने और वे घायल है, तो मेरी छोटी दोनों घायल हैं। कहाँ से लौट रहे थे? जी गड़ा से लौट के आ रहे थे। काहे के लिए गए थे? शादी के कार्ड देने गए थे। शादी तो शादी थी घर में? हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर की। कितनी तारीख की शादी थी? 22 फरवरी। 22 फरवरी। निवासी कहाँ की है? निवासी कहाँ के? गड़ा के। गड़ा के। एक्सीडेंट कहाँ पे किया? सिंघाड़ी पे। सिंघाड़ी पे हुआ? हाँ। कौन सी वाहन टक्कर मारी? चार पहिया वाहन से। चार पहिया गाड़ी है। नहीं तो ये गड़ा से कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे लूट के, नोटे दे के जी आ रहे थे। पुरानी छावनी बना, पुरानी छावनी आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो नाम क्या था आपकी मम्मी का? सुनीता भाई। उम्र क्या होगी? उम्र होगी 33 साल। घायल कौन कौन हुए? मेरी छोटी सिस्टर और मेरा पापा उनका भानेज। क्या नाम है सिस्टर का? सिस्टर का आरती नाम है और वो भानेज का लक्ष्मण नाम है। घटना कब की है? कल की बात घटना है, करीबन करीबन 5:30 बजे की। 5:30। हाँ जी, ऊपर रेफर की है ना। तुम्हारा क्या नाम है? विशाल कुशवाहा। गड़ा रहते हो? गड़ा नहीं, छावनी रहता हूँ। पहले गड़ा रहता था, अब छावनी रहता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा तहसीलदार को दिया गया ज्ञापन। प्राचीन धार्मिक स्थल के पास मुर्गी फार्म के निर्माण कार्य को रोकने की मांग। मकसूदनगढ़ तहसील को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जामनेर में चारों धाम मंदिर के पास मुर्गी फार्म के निर्माण को रोकने की मांग की गई है। वहीं तहसील द्वारा मामले की जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया सभी को। उधर इस मामले में शरीफ खान द्वारा भी वीडियो जारी किया गया है, जिसमें शरीफ खान द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे द्वारा किसी भी तरह का मुर्गी फार्म नहीं खोला जा रहा है, मेरे खिलाफ झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है। अब देखना यह है कि जाँच के बाद इस मामले में क्या निकल कर सामने आता है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है जामनेर रोड पे, जामनेर से 1 किलोमीटर दूर चारों धाम का मंदिर है, जिसमें भगवान शंकर जी हैं, बद्रीनाथ धाम है, श्री जगन्नाथ जी धाम है, हनुमान जी महाराज हैं, सिद्ध देवता हैं, सभी देवताओं के मंदिर हैं। और एक जामनेर के पास में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, जिसमें हजारों लाखों में श्रद्धालु जामनेर के आसपास के लोग वहाँ पे आते हैं। उसके पास में ही लगा हुआ धार्मिक हिंदू की भावना पर ठेस पहुंचे, इसके लिए शरीफ कवाड़ी करके वो कोई मुर्गी पालन केंद्र खोल रहा है, तो उसमें वहाँ श्रद्धालु और दर्शनार्थियों और पुजारी सबको दिक्कत होगी। हाँ, कोई बैठ नहीं सकता, दर्शन करने जाना बंद हो जाएगा। इस तरह से अगर हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदू समाज एक उग्र आंदोलन करेगा अगर नहीं रोकेगा तो। मैं शरीफ का जामनेर, मेरे खिलाफ गलत संदेश मार्केट में भेजा जा रहा है। उनका कहना है शरीफ खान चारों धाम मंदिर के पीछे पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, जबकि मेरा काम पुराने स्क्रिप्ट का है और जो पंडा जी ने गलत अफवाह उड़ाई है वो गलत है। कृपा करके मेरी छवि खराब ना करें। सभी हिंदू भाइयों को नमस्कार। जामनेर थाने के अंतर्गत ग्राम पचगोडिया में एक अधेड़ व्यक्ति ने घरेलू विवाद में सल्फास का सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। सुरेश अहिरवार पुत्र राम भरोसे अहिरवार निवासी पंचगोडिया ने बताया कि मंगलवार को दोपहर में
1:30 पर घर पर उसके पिता राम भरोसा लाल पुत्र गोटू राम अहिरवार उम्र 50 साल ने घरेलू विवाद में सल्फास की गोलियों का सेवन कर लिया। मृतक का बेटा पास के गांव में महुआ खेड़ा मजदूरी करने गया था, तभी पंचगोडिया से उसके परिवारजनों ने फोन किया कि तुम्हारे पिता ने सल्फास की गोलियां खा ली है। सुरेश ने उसके पिता को उपचार के लिए गुनानगर के एक निजी अस्पताल ले गया, जहाँ जिला अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। आज जिला अस्पताल में मृग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। सुरेश ना हो गया। सुरेश कहाँ रहते हो? पंचगोड़िया। कौन सा थाना? जामनेर। क्या घटना हुई है? मैं काम कर गया था बाबूजी, वहाँ से फोन आया, जब मैं घर गए मैंने कही के दवाई मवाई पी ली, तो हम तो वहाँ से लिया कूकर खेली जामनेर भी ले गए, तो वहाँ से बिन्ने नहीं झेले सो जहाँ लाए जहाँ थे नहीं सहयोग में ले गए थे, मैं बिन्ने झारे पर कर रहा भाई जहाँ थे आते खत्म हो। कल कितने बजे घटना है ये? कल हम यहाँ से 3:30 आ गए वहाँ से। क्या नाम था इनका? भरोसा लाल। कहाँ रहते थे? पंचगोड़िया। कितनी उम्र थी इनकी? 50-55 साल की। कितने बच्चे थे? 3 लड़का 1 लड़की। कुछ पता चल पाया क्या वजह रही खाने की? अब कुछ मालूम नहीं था, बस दस मैं काम तो गए थे। गांधी नेहरू पटेल अंबेडकर के भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने 2 टूक अंदाज में कहा कि भारत में रहने वाले जो लोग गोट से भक्त हैं वे देशद्रोही हैं। जयवर्धन सिंह के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के भक्त ही देशभक्त हैं, इसमें कोई बहस नहीं होना चाहिए। राघोगढ़ विजयपुर चुनाव के बाद गुना में मीडिया से औपचारिक चर्चा करते हुए जयवर्धन सिंह ने इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाक अंदाज में रखी थी। देशभक्त और रोही के मुद्दों पर छिड़ी बहस पर जयवर्धन सिंह ने विराम देने का प्रयास किया है। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच के अंतर को भी विभाजित किया है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक कांग्रेस वह राजनीतिक दल है जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के नेता असली देशभक्त हैं, वे निजी स्वार्थ नहीं देखते हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा, इस संबंध में भारतीय संविधान अस्तित्व में आने की कहानी का हवाला दिया है। उनके मुताबिक देश की आज़ादी के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और भारत में कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का जिम्मा दिया था और पूरी तरह निष्पक्ष रहने पर जोर दिया। परिणाम सबके सामने हैं कि भारत में सरकारें संविधान के अनुरूप हैं। सभी दलों आमजन और संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में कोई सरकार 5 साल भी नहीं चलती है। ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती है। हम तो लगातार हर मंच पर कहते हैं कि जो गोडसे भक्त है सबसे बड़ा देशद्रोही है, और सिर्फ जो गांधी भक्त है वही देशभक्त है। हमको ये बात समझनी होगी, गोडसे में रावण था, गांधी में भगवान राम थे। हम तो स्पष्ट खुले मन से कहते हैं ये बात। और हम एक और बात याद करें, दो देश एक साथ आज़ाद हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके जो नेता थे वो जिन्ना थे, और वहीं हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी थे। और 75 साल बाद ये नेहरू जी की देन है, कांग्रेस की देन है, अंबेडकर साहब की देन है कि हमारा जो संविधान है आज भी इतना मजबूत है कि लगातार जब चुनाव होते हैं हर राजनीतिक पार्टी जनता के मत का सम्मान करती है, ट्रांजिशन होता है पावर का पीसफुली। वहीं पाकिस्तान में आज दिन तक एक भी कार्यकाल उनका 5 साल का पूरा नहीं हो पाया है 75 साल में। क्यों? क्योंकि उनके पास पंडित नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं थे जो निष्पक्ष थे, जिनकी सोच थी कि हमेशा कांग्रेस हावी हो, ये सोच नहीं थी। उनकी सोच थी कि देश आगे बढ़े, इसलिए आज भी पूरे हमारे भारत में देश में हर संगठन का अधिकार है, हर राजनीतिक दल अपना पक्ष रखता है, लेकिन जो मत जनता का होता है उसका सम्मान हमेशा भारत में रहता है। ये देन कांग्रेस की है, नेहरू जी की है। होगा क्या कांग्रेस की अभी 2 सीटें 4 में, अब क्या
कुछ और हमेशा आपको उम्मीद है। हमारा तो हमारा 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 लक्ष्य है कि चारों सीटों पर हमें विजय प्राप्त हो। हमको इसकी मेहनत भी करनी है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा चुनाव कोई भी हो, चाहे चुनाव पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, हमेशा पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें काम करना चाहिए। और इस चुनाव में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबसे अहम ये है कि सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस मजबूत हो, हमारे सभी जो नेता हैं वो पूरे मन के साथ, निष्ठा के साथ काम करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया, देखता ही उस समय जब 2014 की या उसके आसपास की, ठीक वही सवाल कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उससे किनारा किया, इसको आप किस तरीके से? देखिए, इसमें सीधी बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है और हमें उनका साथ देना चाहिए, इसमें कोई दोराय है भी नहीं। इसमें मूल बात यह है कि एक वीडियो सामने आया 2012 या 13 का, जहां मोदी जी प्रश्न उठा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे, और 12 जोड़ो यात्रा के दौरान जो उत्तर राहुल जी ने दिया है वही उत्तर पूरी पार्टी का है। और जहाँ तक बात दिग्विजय सिंह जी की है, उन्होंने मेन इशू उठाया था कि जो हमला हुआ था पुलवामा में, उसमें कौन कौन दोषी हैं और क्या क्या उसमें सबूत मिले हैं, वो उनका मेन प्रश्न था। अगर कहीं आतंकी हमला हो, हमारे जो वीर सैनिक हैं उनका कहीं अगर उनकी हत्या हो, वो शहीद हो, तो हमारा अधिकार है कि हम पता करें कि ऐसे हमले के पीछे कौन कौन लोग हैं, कितनी कार्रवाई हुई है, कौन पकड़ा गया है, उसमें कहाँ से RDX आया, ये प्रश्न थे। और हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता देशभक्त है। आखिर कांग्रेस वो संगठन है जिसके नेताओं ने इस देश को आज़ाद किया अंग्रेज़ों से। तो कांग्रेस पार्टी समझती है क्या महत्व है हमारे पूरे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और हमारे विशेषकर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका सम्मान हम सब के लिए सर्वप्रिय है। सवाल क्या है? सवाल मयाना थाने के अंतर्गत तिनसई आई रोड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मयाना पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। मयाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मयाना के तिनसई रोड पर बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति में चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसका शव क्षतविक्षत हो गया था। 10:33 हाईवे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। आज उसके शव का हुआ पोस्टमार्टम। मयाना पुलिस ने मृग कायम कर मामले को जाँच में लिया है। वन भूमि पर अवैध उत्खनन करती JCB को फतेहगढ़ वन स्टाफ द्वारा पीछा कर गांव से जब्त किया गया। 7 और 8 फरवरी के दरमियानी रात्रि को सूचना मिली कि कुटकास लावती तरफ एक JCB अवैध मुर्रम खुदाई कर रही है कि रात्रि 12 बजे मौके पर वन अमला पहुंचा। वहां पहुंचने पर ड्राइवर ने स्टाफ को देखकर JCB को भगाने का प्रयास किया और पास गांव बंधा में लॉक करके भाग गया। फतेहगढ़ रेंजर भारद्वाज द्वारा फतेहगढ़ थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला को भी सूचना दी गई। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल श्री मिट्ठूलाल ASI को भेजा गया। पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव का प्रयास किया, लेकिन वन अमला SAF बल और पुलिस की दृढ़ता देख पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। JCB लॉक थी, 4 ऑपरेटरों को बुलाया गया, तब कहीं जाकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद JCB स्टार्ट हुई। इस दौरान पूरा स्टाफ कड़कड़ाती ठंड में ही रहा। शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि खनन माफियाओं की कमर थोड़ी जाए और कानून का शासन हो। साथ ही CCF DK पॉलीवॉल सर और DFO हेमंत राय कवार सर ने भी वन अपराधों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और सहयोग से ही बड़ी कार्यवाहियाँ संभव होती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। घटना उस समय हुई जब ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी। घायल युवक की पहचान इरफान अंसारी पुत्र रिजवान अंसारी उम्र 40 वर्षीय निवासी जबलपुर के रूप में हुई है।
घटना के बाद एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में सजग रहें, डॉक्टर अनीता गहलोत। गुना में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में प्राचार्य डॉक्टर बी के तिवारी के संरक्षण में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर डॉक्टर अनीता गहलोत सहायक प्राध्यापक शासकीय विधि महाविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्यान दिया गया, जिसमें महिलाओं को कानून द्वारा प्राप्त विभिन्न अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदत्त की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव सर ने की एवं प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर अर्चना क्षेत्रीय ने महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के गठन की आवश्यकता एवं उद्देश्य के बारे में बताया। महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के सभी सदस्य डॉक्टर सुमन लता श्रीवास्तव, डॉक्टर मेघा श्रीवास्तव, डॉक्टर शालिनी कौशिक एवं छात्र सदस्यता हिमांशी झा, शिवानी खरे एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक छात्र छात्राएं कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शालिनी जैन एवं आभार प्रदर्शन वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुमन लता श्रीवास्तव द्वारा किया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाए? आज हमारे महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण के कानूनी सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं के कानूनी अधिकार पर बात की गई, जिसमें लॉ कॉलेज की डॉक्टर अनीता गहलोत ने बहुत सारे कानूनी अधिकारों को महिलाओं के लिए बताया गया। काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे, छात्राएं उपस्थित थी, क्योंकि छात्रों का उपस्थित रहना भी जरूरी है, तो सभी उपस्थित थे और सबने उसको ठीक से समझा। महिला सशक्तिकरण में कानून की मदद बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उन्हें पता नहीं है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, इसलिए उनको अधिकारों के प्रति सजग करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे ताकि आगे भी लड़कियों को विशेष रूप से इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो। चांचोड़ा विधानसभा की कुमराज तहसील में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अंतर्गत सुर से सुर जोड़ते हुए चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह का एक अलग ही अंदाज में वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे यात्रा के दौरान एक गांव में हारमोनियम पर सुर छोड़ते नजर आ रहे हैं। नशे के विरुद्ध गुना पुलिस की लगातार कार्यवाही, स्मैक तस्करी करते अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। 1 लाख के स्मैक सहित तस्करी में प्रयोग की जा रही बाइक जब्त। जिले में नशे के अवैध कारोबार एवं कारोबारियों पर सिकंजा कशे जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा विभिन्न नशा माफियाओं, नशा तस्करों आदि के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हेतु अधीनस्थों को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। इसके तहत गुना पुलिस द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध आए दिन कार्यवाही का अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत गुना पुलिस द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध आए दिन कार्यवाहियां कर उन्हें धराशायी किया जा रहा है। इस क्रम में गत दिनांक 7 फरवरी 2023 को जिले के चांचोड़ा थाना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक और कार्यवाही को अंजाम देते हुए राजस्थान से स्मैक तस्करी करने आए अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 1 लाख कीमत की 10 ग्राम स्मैक एवं तस्करी में प्रयोग की जा रही करीबन 50,000 की होंडा शाइन मोटरसाइकिल सहित कुल 1.50 लाख का मशरूका जब्त करने में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 6 या 7 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि को चांचोड़ा थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्रगवास की तरफ से एक ग्रे रंग की बिना नंबर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर चांचोड़ा की तरफ से आ रहा था। इसी सूचना के मिलते ही स्मैक तस्कर पर कार्यवाही हेतु चांचोड़ा थाने से पुलिस की एक टीम तत्काल रवाना हुई और बागेश्वर तिराहा पहुंचकर स्मैक तस्कर के आने का इंतजार किया, जहाँ पर कुछ ही समय बाद मुखबरी द्वारा बताए गए हुलिये के व्यक्ति व मोटरसाइकिल के आने पर पुलिस द्वारा उसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। बलात्कार के मामले में आरोपी पड़ोसी को न्यायालय ने किया 20 साल के सक्षम कारावास से दंडित। खबर गुना से आ रही है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 17/3/2021 की सुबह 4 बजे से पीड़िता के गुम होने की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना कैंट में दर्ज कराई गई। इस पर से थाना कैंट ने धारा 363 भादावी के तहत अपराध पंजीवृत कर विवेचना में लिया तथा विवेचना के दौरान दिनांक 18/3/2021 को फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए दिनांक 26/3/2021 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके धारा 161 जा फ के तहत कथन लिए गए एवं न्यायालय में 164
के तहत कथन कराए गए। कथनों में अभियोक्त्री ने आरोपी के साथ जाना, आरोपी द्वारा उसकी मांग भरपूर मंगलसूत्र पहनाना और शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम करना बताया है तथा थाना कैंट द्वारा प्रकरण में आरोपी पड़ोसी के विरुद्ध धारा 366, 376 भादावी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करता अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता दक्षता द्वारा अपने विधिक तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिनसे सहमत होकर एवं न्यायालय से संपूर्ण विचारण उपरांत बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के सक्षम कारावास एवं कुल 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। भगाड़िया नृत्य एवं ढोल नगाड़ों के साथ निकाली यात्रा का हुआ उत्साहपूर्वक स्वागत। पूर्व विधायक ममता मीना ने स्कूली छात्राओं की जानी समस्या, चौराहे पर ली चाय की चुस्की। नगर परिषद चांचोड़ा बीनागंज के समस्त वार्डों में पहुंची विकास यात्रा। गुना से खबर सामने आ रही है, नगर परिषद चांचोड़ा बीनागंज के समस्त वार्डों में बुधवार को विकास यात्रा निकाली गई। इस दौरान विकास यात्रा की शुरुआत वार्ड क्रमांक 12 से हुई, जहां पूर्व विधायक श्रीमती ममता रघुवीर सिंह मीना ने विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां से विकास यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ भगोरिया नृत्य के माध्यम से लोगों की जागरूक करती हुई नगर के विभिन्न वार्डों में पहुंची। विकास यात्रा के दौरान पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीना स्कूली छात्राओं से रूबरू हुई और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपको कोई पढ़ाई या स्कूल आने जाने में कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताएं। इसके बाद ये विकास यात्रा रथ के साथ नगर भ्रमण करते हुए चौराहे पर पहुंची, जहां उन्होंने चाय की चुस्की ली। इसके साथ ही नगर की वार्डों में भगोड़िया नृत्य के साथ पहुंची विकास यात्रा का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। वहीं वार्डों में विकास यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर मीना ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और विकास यात्रा का उद्देश्य आमजन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में ग्रामीणों को जानकारी देना और उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना है। इसके साथ ही पूर्व और वर्तमान में किए जा रहे विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया। विकास यात्रा के पूर्व नपा ने प्रारंभ किए विकास कार्य। नगरपालिका परिषद गुना के अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की विकास यात्रा के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 1 दीनदयाल नगर में 20 लाख रुपए की लागत की साथ ही साथ सीसी रोड नाली व निर्माण कार्य की भूमि पूजन के साथ वार्ड क्रमांक 1 से 9 तक के वार्डों में 27 लाख की लागत के मरम्मत कार्यों का भूमि पूजन तथा वार्ड क्रमांक 36 में 10 लाख की लागत से सैनिक विहार कॉलोनी में पुलिया निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, वार्ड पार्षद राधा कुशवाहा एवं हलीम गाजी के साथ नगर स्वास्थ्य समिति चेयरमैन दिनेश शर्मा, पार्षद ममता तोमर, ब्रजेश राठौर, महेश कुशवाहा, लक्ष्मण जाटव, राजू ओझा, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र बीटू रघुवंशी सहित नगरपालिका के सहायक मंत्री बीबी गुप्ता, उपयंत्री नितिन चंदेल, मयूरी श्रीवास्तव सहित दोनों वार्डों के गणमान्य नागरिक व महिलाओं में गेंदा लाल जी कुशवाहा, पूरन लाल कुशवाहा, विजय सिंह छोटे लाल, बजरंग सिंह, अवधेश सिंह परिहार, शिव सिंह, मुमताज खान, राजकुमार राठौर, विक्कीज रघुवंशी, विनोद शर्मा, सोमेश सिंह आदि उपस्थित थे। वार्ड वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदों का उक्त कार्यों की सौगात के लिए स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से विकास यात्रा विकास रथ के साथ शुरू हो गई है, जिसके तहत चांचोड़ा ब्लॉक में भी इस यात्रा का शुभारंभ 5 फरवरी के दिन पखरियापुरा से हुआ। यात्रा में सम्मिलित सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामवासियों की समस्या एवं उनके सुझावों के आवेदन उच्च अधिकारी तथा एवं समस्या का हल करते आ रहे हैं। इसी क्रम में 8 फरवरी के दिन नगर परिषद चांचोड़ा बीनागंज में भी विकास यात्रा निकाली गई, जो कि बीनागंज के श्री रामानंद आश्रम से प्रारंभ कर नगर चांचोड़ा तक निकाली गई। यात्रा का रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया एवं नगर वासियों द्वारा अपनी समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। यात्रा प्रारंभ होने के बाद नगर के अंबेडकर चौराहे पर स्थित कम्युनिटी हॉल में शिलान्यास के माध्यम से भूमि पूजन किया गया। इस उपरांत मंच पर विराजमान अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का नगर परिषद CMO भगवान सिंह भिलाला द्वारा एवं जन अभियान परिषद की नगर विकास प्रस्फुटन समिति एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति और नवांकुर संस्थाओं एवं मिटर्सो द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को नगरवासियों द्वारा अपनी समस्याएं सुनाई गईं, साथ ही अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आवेदन भी दिए गए। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
इतने सारे विकास कार्य हो रहे हैं। अभी हम गांव-गांव में जा रहे हैं तो लोग विकास उत्सव के रूप में इस विकास यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और आप भले खुद भी चल के देख सकते हैं। आज नगरी क्षेत्र की निवन चाचोड़ा में हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पार्षदों के द्वारा आज जगह जगह इस विकास यात्रा का स्वागत के लिए उन्होंने रखा है। तो विकास यात्रा के द्वारा हमारे जितने भी जो लाभान्वित हितग्राही उन लोगों को हम लोग हितग्राही जो भी उनके पत्र के वो भी बांट रहे हैं और जो विकास के द्वारा विकास यात्रा के द्वारा सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे उनके बारे में भी हम पूरा प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए सरकार ने हमारी चौथी बार हमारी सरकार बनी है और चौथी बार की सरकार ने और अभी तक कांग्रेस की जो जो सरकारें बनी उनके द्वारा उनका कार एक तरफ है और हमारा कार कई गुना एक तरफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी और जैसे तरह से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने जो अभी लाडली बहना योजना जो लागू की वाकई में इतनी बढ़िया योजना है, एक बहनों को सम्मान देने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। हमारी बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल करके हमारी बेटियों को अगर सम्मान देने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया।